देवरिया से विधायक शिलामणि त्रिपाठी साथ देखिए बातचीत के लिए मौजूद हैं। ये एक अभी ये विधायक बन के आए हैं और भी तमाम विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद। क्या अपेक्षाएं लेकर आए हैं यहाँ पर? अपेक्षाएं क्या? जनता का अपार प्यार मिला है, जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा फिर से करेंगे और जनता को भी तमाम इच्छाएं हैं सर। करते ही रहे, जिंदगी भर करते रहे। एक बार फिर से मौका मिला है सर, और क्या? फिर से मौका मिला है तो क्या कुछ और क्या कुछ करना बाकी है? जो हमारी सरकार का एजेंडा है उस एजेंडा को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण, पिछली सरकार में मंत्री भी हैं रहे हैं और अब यहाँ पे अन्य जो तमाम विधायक हैं और मंत्री हैं वो सब के सब जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। आप देखिए कि जितिन प्रसाद भी यहाँ पे बिना बात किए वो यहाँ से निकल चुके हैं और तमाम जो और भी नेता हैं वो आ गए हैं यहाँ पे, आ रहे हैं। विधायक विधानमंडल दल की जो है वो बैठक जो होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए तमाम नेता तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक एक करके एक एक विधायक जो है वो यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि सर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक विधायकों के यहाँ आने का सिलसिला जारी है। जितिन प्रसाद भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उससे पहले चौधरी लक्ष्मी नारायण और तमाम जो मंत्री रहे पिछली सरकार में वो चेहरे जो है वो शामिल हुए हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं एक एक के बाद एक जो है बात करेंगे। शलभ जी से बात करते हैं सर। सर सर तो ये शलभ जी जो है वो पहली बार अभी विधायक बनकर आज लोक भवन पहुंचे और पहली बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो शलभ जी, देवरिया से पहली बार चुनकर आप विधायक बनकर आए हैं, क्या कुछ जनता के लिए अपेक्षाएं लेकर आज यहां पे कदम रखा है पहली बार? देवरिया की जनता ने मुझे और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया है। हम सब ईमानदारी से जवाबदेही के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सर, नाम आपका भी मंत्री पद के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है चर्चा में। पार्टी बाद में नाम तय करती है, आपसे पहले कर देते हैं। तो ये शलभ जी थे, बड़े ही खुले मन से उन्होंने कहा कि पहले पार्टी बाद में नाम तय करती है, मीडिया पहले नाम तय कर देती है और देवरिया की जनता का उन्होंने धन्यवाद दिया कि जनता ने अपार उनको समर्थन दिया और जिताकर लोकभवन आज यहाँ विधानसभा भेजा है और आज लोकभवन में पहली बैठक होने जा रही है, उसमें विधानमंडल दल के नेता का फैसला होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर फिर से एक बार चुनने का काम किया जाएगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।